और अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो वो जो गोल्डन आवर है एक घंटा होता है जिसमें लाइफ बचाई जा सकती है, तो उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो पहले लोग ऐसा करते थे कि वो डर जाते थे, एक्सीडेंट हो गया तो हम इस बंदे को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, कहीं इल्ज़ाम हम पे ही तो नहीं आ जाएगा। तो उस गोल्डन आवर में जो बंदा एक्सीडेंट वाले विक्टिम को पहुंचाएगा हॉस्पिटल तक, उसको भी अवार्ड किया जाएगा, उसको भी फेवरेबल अवार्ड दिया जाएगा और उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी, उस ड्राइवर को भी रिकॉग्निशन दी जाएगी। और डरना नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है उस बंदे को लाइफ बचाने के लिए उस गोल्डन आवर में उसकी मदद करने के लिए उसको रिकॉग्निशन भी और अवार्ड भी दिया जाएगा। स्टैंड नंबर 1 है यहाँ पे TRC के सामने। मैक्सिमम टैक्सीज जो हमारी यहाँ से बोर्ड होती हैं वो यहीं से होती हैं, श्रीनगर से। ये अलग अलग लोकेशंस पे जाती हैं, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, तो टूरिस्ट जो है मेजरली इन्हीं दो टैक्सी स्टैंड से टेक ऑफ करते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन ये रहता है कि हम अपने ड्राइवर्स को यहाँ पे एजुकेट करें, अवेयरनेस दें, इनको फॉर्मली एजुकेट करें कि आप लोग जो ये हमारी ड्राइविंग है, सेफ ड्राइविंग है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपना काम कीजिए। जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हैं काफ़ी रुक गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, जनरेट हो गई है ड्राइवर्स में। इसके अलावा हम इनको सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताते हैं, और अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो वो जो गोल्डन आवर है एक घंटा होता है जिसमें लाइफ बचाई जा सकती है, तो उसमें वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो पहले लोग ऐसा करते थे कि वो डर जाते थे, एक्सीडेंट हो गया तो हम इस बंदे को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, कहीं इल्ज़ाम हम पे ही तो नहीं आ जाएगा। तो उस गोल्डन आवर में जो बंदा एक्सीडेंट वाले विक्टिम को पहुंचाएगा हॉस्पिटल तक, उसको भी अवार्ड किया जाएगा, उसको भी फेवरेबल अवार्ड दिया जाएगा और उसको रिकॉग्निशन दी जाएगी, उस ड्राइवर को भी रिकॉग्निशन दी जाएगी। और डरना नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है उस बंदे को लाइफ बचाने के लिए उस गोल्डन आवर में उसकी मदद करने के लिए उसको रिकॉग्निशन भी और अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा रोड सेफ्टी जो हम बता ही रहे हैं, पिछले 17 डेज से हम रोज़ ग्राउंड पे आ रहे हैं, रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं ड्राइवर्स के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे अपने ड्राइवर्स के साथ, उनको बता रहे हैं क्या सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करने हैं, अपनी स्पीड लिमिटिंग डिवाइस जो है उसको ऑन रखना है, अपनी गाड़ी की फ़िटनेस मौजूद रखनी है, ऑल द टाइम अपनी फ़िटनेस जो है वो बरकरार रखनी है, सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट लगाना है और अपनी स्पीड लिमिट रखनी है, रॉन्ग साइड पार्किंग नहीं करनी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ में धीरे चलानी है गाड़ी। तो ऐसे कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से इनको बता रहे हैं कि एक्सीडेंट से कैसे बचिए। तो ये जो रोड सेफ्टी वीक था, आपको पता है पहले मनाया जाता था हर साल, इस साल हम रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। आपको पता है कि जो डोडा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हमने ये मेजर्स लिए ताकि ड्राइवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेट कर सकें।